यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? शायद भगवान करे कि अच्छे ही होंगे। पढ़ने में यदि मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा हेडेक हो रहा है, इसके वजह से मैं अपनी दुकान में ही बैठकर एक पेपर और पेन लेकर ये कुछ मीनिंग मैंने लिखा है जो आपको ज़्यादा ही पसंद आएगा। और इस मीनिंग को दो बार तीन बार ज़रूर वीडियो को देखें, दो तीन बार रिवाइज करें, नहीं होता है तो किसी कॉपी पे आप उतार लें और उसको अच्छे से रिवीजन करें। कहता है कि बार बार यदि कोशिश करने से, बार बार किसी वस्तु को देखने से वो मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो उसी प्रकार से यदि बार बार आप लोग ये मीनिंग को दोहराएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हेलो, मैं विशाल कुमार गुप्ता, आज मैं आपको नया वीडियो लेके आया हूँ जो मीनिंग है और उसके साथ साथ उसका वर्ड भी है, यानी वर्ड भी है और मीनिंग है, अर्थ भी है। तो पहला मीनिंग मैं आपके सामने हूँ, ये जूम मैंने कर दिया। पहला है मनोविज्ञान के आधार, इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ साइकोलॉजी, BASEDOFPSYCHOLOGY, बेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। जो मैं मीनिंग कहता हूँ उसका इंग्लिश का उच्चारण भी दे रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका स्पेल्ड भी कर रहा हूँ, यानी स्पेलिंग भी कर रहा हूँ। दूसरा शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण का इंग्लिश होता है इन्वायरमेंट, ENVIORONMENT, इन्वायरमेंट। तीसरा शब्द है स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस यानी उद्दीपन। यदि आपको कुछ शब्द सब दिखाई ना पड़े तो क्या हो रहा है कि हाथ में लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो हिल जा रहा है, जिसके वजह से वीडियो धुंधलापन दिखाई पड़ेगा। तो उसी के वजह से मैं शब्द का भी उच्चारण कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उच्चारण करते समय आप किसी पेपर पेन लेके आप देख भी सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं। उसके बाद चौथा शब्द है आपको एडिक्वेट, ADEQUATE, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है समोधिपन, समोधिपन। मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ और रोड के साइड मेरा दुकान है, गाड़ी मोटरसाइकिल सब जा रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है, बगल में बच्चा हल्ला कर रहा है, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा। सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिए और उसके मीनिंग पे ध्यान दीजिए और कॉपी और पेन के लेकर उसको अच्छे से सुनकर उतार लीजिए और बार बार दोहराइए। उसके बाद है पांचवा मीनिंग इनएडिक्वेट, स्पेलिंग है ENADEQUATE, इनएडिक्वेट। इसका मतलब होता है असमेधिपन, असमेधिपन। छठा है रिस्पॉन्स, RESPONSE, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया, अनुक्रिया। सातवां शब्द है ऑर्गेनिज्म, सातवां शब्द है ऑर्गेनिज्म, इसका स्पेलिंग है ORGANISM, ऑर्गेनिज्म। इसका मीनिंग है जीव। आठवां शब्द है एडजस्टमेंट, स्पेलिंग है इसका ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट। इसका मीनिंग है समायोजन। बगल से गाड़ी गुजरा है तो शायद सुनाई नहीं पड़ा होगा, फिर से मैं बता दूँ, एडजस्टमेंट, ADJUSTMENT, एडजस्टमेंट। इसका मतलब है समायोजन। नौवां शब्द है ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब होता है विभागों। एक ब्रांच आपको पेड़ का भी डाली को कहते हैं, ब्रांच डाली, और अधिक से अधिक यदि पेड़ में डाली है तो उसे ब्रांचेस भी कहते हैं, यानी शाखाएं भी बोल सकते हैं। और ये ब्रांचेस का मतलब विभागों भी हुआ, विभाग यदि एस हट जाएगा या प्रूलर हुआ, एस हट जाएगा, सिंगुलर यदि रहेगा ई एस हट जाएगा, तो BRANCH, ब्रांच, ब्रांच का मतलब विभाग हो जाएगा। तो प्रूलर है BRANCHES, ब्रांचेस, इसका मतलब होता है विभागों। उसके बाद लास्ट अंतिम है दसवां, जो है एकेडमिक एरिया,
ACADEMIC एकेडमिक AREAS एरियाज। फिर से मैं बता दूं, ACADEMIC एकेडमिक AREAS एरियाज, इसका मीनिंग है स्वच्छत क्षेत्र, स्वैच्छिक क्षेत्र। तो ये सारे मीनिंग हैं, आप इस मीनिंग को बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से सुन के कॉपी पेन लेके उसको लिखें और अपने जीवन में उसको याद करें, दोहराएं, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में ये मीनिंग मदद करे। तो ऐसा ही कुछ वीडियो देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल GUPTA BISHAL विशाल पे UMER कुमार को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसे ही नए नए वीडियो और अच्छे मीनिंग में लेकर आपके सामने फ्री में आता रहूँगा। क्योंकि मीनिंग या इंग्लिश का कोर्स करने के लिए आपको पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्री में डिक्शनरी से या अपने मैंने अध्ययन किया है उस हिसाब से मैंने ये मीनिंग लेके आया हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।